थोड़ी सी देर हो गई। शहीर और सज्जल को अब तक आ जाना चाहिए था। चाचा जान, मुझे लगता है वो पुलिस स्टेशन गए होंगे। सज्जल पुलिस स्टेशन क्यों गई होगी? आप वो दरअसल इस केस में सजल चश्मदीद गवाह है। मैंने ही कहा था सजल को कि शहीर की हेल्प करे। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन सजल का इस तरह थाना कचहरी जाना कुछ मुनासिब नहीं है, क्योंकि बेटा कल को उसकी शादी होगी। खुदा ना खास्ता ससुराल वालों को कुछ ऐसी बात पता चली तो मुनासिब नहीं लगेगा। आप फिक्र नहीं करें, मैं मौका देखते ही शहीर को ये बात समझा दूंगी। और आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आप लोग सजल की शादी करने वाले हैं? अरे नहीं बेटा, अभी तो तुम्हारी चची लड़का ढूंढ रही है, मगर हमने फैसला कर लिया है कि हम जल्द अज जल्द सजल की शादी कर देंगे, जब तक तुम भी फारिग हो जाओगी। इंशाल्लाह हम सजल की शादी खूब धूमधाम से करेंगे। सारी तैयारियां मैं खुद करूंगी, बल्कि इसका खर्चा मैं और शहीर उठाएंगे। जीती रहो बेटा, बस अल्लाह खैरियत का वक्त लाए। बट तुम एक दफा फोन तो करो शहीर को, पता करो कहां रह गए। लीजिए आ गए वो लोग। है ना, कितने मजे का था आज, तो बहुत ही मजा आ गया। खाना भी बहुत मजे का था, ये शाम तो यादगार रही। अबू आप अचानक क्या हो, खैरियत? कहां थी तुम? अब मैं पूछ रहा हूँ कहाँ गई थी तुम? अबू मैं वो अंकल ये मेरे साथ थी, हमें पता नहीं था आप आने वाले हैं, हम अपना प्लान कैंसिल कर देते, आप शायद बिना बताए आ गए। हाँ वो बेध्यानी में बता नहीं सका, मैं इरा को देखने आया था, लेकिन कम से कम तुम लोगों को इरा को बता के तो जाना चाहिए था। दरअसल आजकल जो सिचुएशन चल रही है अंकल, तो हर बात इरा को नहीं बताई जा सकती, इसी वजह से बहुत कुछ छुपाना पड़ता है उनसे। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन उसको यूं अकेले छोड़ के जाना मुनासिब नहीं है। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन सच ये है कि सज्जल को मैं इरा के लिए ही अपने साथ लेकर गया था। इरा के लिए जी? आप आइए ना, मैं आपको बताता हूँ, आप आइए मेरे साथ, आइए।